नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस, जनरल वेस और करंट अफेयर के दोस्तों प्रश्न बताऊंगा जो आपके 45 नंबर के आएंगे। और दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि 45 में दोस्तों 45 नंबर कैसे लाए, तो इसलिए दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो ये दोस्तों क्रैश कोर्स का पहला पार्ट है। एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों, आप ऑन एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, वहां पे मेरी सारी वीडियोस को आप फ्री में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जिसे पूछे जाने की ज्यादा संभावना है दोस्तों। और दोस्तों, आप कमेंट करके भी बताएंगे कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल सागर के तट पर स्थित मसावा बंदरगाह किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इरिट्रिया देश से। किस देश से? इरिट्रिया देश से। तो इरिट्रिया देश कहाँ है दोस्तों? तो पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है इरिट्रिया देश। और इसकी राजधानी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अस्मारा है। कहां है? अस्मारा इसकी राजधानी है, इरिट्रिया देश की अस्मारा राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, अल गजीरा रेगिस्तान कहां स्थित है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा सूडान में। कहां है? सूडान में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पारामरिबो। क्या है? पारामरिबो इसकी राजधानी है सूरीनाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। देश में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो कौन राज्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम की पूंजी बाजार से संबंध वाली पहली बीमा योजना का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बीमा प्लस। इसे भी याद रखेंगे, सारे प्रश्नों को दोस्तों याद रखेंगे और आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण करने वाला देश का पहला अभिकरण कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा, CRISIL। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है CRISIL का? तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म एक बार और सुन लीजिए, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1950 में हुई थी। कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? 1950 में। और दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और योजना आयोग के स्थान पर अब क्या लागू कर दिया गया है? तो नीति आयोग गठित कर दिया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का 15 मार्च 1950। ये दोनों डेट याद रखेंगे, दोनों बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR का क्या लक्ष्य था। ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 4.3:1। रेशियो उसका क्या था, औसत उसका अनुपात क्या था? तो 4.3:1 उसका अनुपात था। और दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि बताइए, कार्यकाल कब से कब था? तो 1997 से 2002 के बीच। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1997 से 2002 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नौवां प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, दसवां प्रश्न देख लीजिए, दसवां दोस्तों आपका प्रश्न है, दसवां यहां पे है, दसवां ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, रिजर्व बैंक ने ग्राहक प्रहरी योजना कब आरंभ की। रिजर्व बैंक ने ग्राहक प्रहरी योजना कब आरंभ की? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ग्यारहवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला
नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पांडिचेरी। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, 13वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों ये पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है एक बार और देख लीजिए, 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है अरावली, दूसरा अजंता, तीसरा सतपुड़ा और चौथा सह्याद्री। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अरावली। तो और किस ये राज्य में फैली हुई है, तो किस राज्य में है अरावली पर्वत, ये भी पूछा जाता है, तो राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। नेक्स्ट दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता क्या है? नगर योजना, चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था, पक्का मकान। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बचत का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो किससे सबसे बड़ा बचत का भाग प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, घरेलू क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, पूछा गया प्रश्न है, तो कितनी संख्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 20। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 17वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो वार एंड पीस। क्या है? वार एंड पीस पुस्तक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 18वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न है, जस्टिन हैनिन हार्डिंग का संबंध किस देश से है? पूछा गया भी प्रश्न है, तो बेल्जियम देश से है। किस देश से है जस्टिन हैनिन हार्डिंग का संबंध? तो बेल्जियम देश से। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि कलिंग पुरस्कार प्रदान कौन सा संगठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो आप इसे दोनों प्रश्न इस टाइप से पूछे जाएंगे, तो दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ग्रुप डी के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, वन लाइनर बुक के बारे में बता देता हूं दोस्तों। एक बुक है, उसे भी आप देख लीजिए दोस्तों। एलबी पब्लिकेशन ने, यानी कि एलबी पब्लिशर जो है दोस्तों, एक ई बुक बनाई है ग्रुप डी सजेशन 2018 के नाम से, और दोस्तों ये बुक 10 लैंग्वेज में है, और दोस्तों इस बुक की कीमत एलबी पब्लिशर ने 100 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये आपको मात्र 30 रुपये में दोस्तों मिल जाएगी। इसमें दोस्तों वन लाइनर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के मिल जाएंगे क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के मिल जाएंगे, और करेंट अफेयर के दोस्तों वन लाइनर, ताकि आप इतने कम दिनों में अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, इसलिए दोस्तों इसको बुक को वन लाइनर बनाया गया है। और दोस्तों इस बुक को आप कहां से ले सकते हैं, ई बुक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके ईमेल पे डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, और वहां से आप इस ई बुक को पढ़ सकते हैं। और इसका दोस्तों कहां से ले सकते हैं, तो इसका दोस्तों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से इसे मात्र 30 रुपये में खरीद सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों लिंक आपका कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप दोस्तों इस बुक को देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसे खरीद भी लीजिएगा, और दोस्तों आप कमेंट करके भी बताइएगा कि इस बुक में कोई कमी है या अच्छा है, ठीक है? तो अच्छा ये भी बताइएगा, कोई कमी होगी तो भी बताइएगा, नेक्स्ट डे से और भी सुधार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप इस बुक को जरूर देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 20वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, तो किससे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तोरिया सरसों उत्पादन से। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, तो किससे हुआ? तोरिया सरसों उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्द स्मैश
किस खेल से जुड़ा है? तो किस खेल से जुड़ा है स्मैच शब्द? तो टेनिस से, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न है, पुलेला गोपी चंद किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, रुइया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुइया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रश्न है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? प्रश्न क्या है? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? ध्रुवीय जलवायु है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA कहाँ स्थित है? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन आपका कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा खड़कवासला, तीसरा देहरादून, चौथा हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, खड़कवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, यह प्रश्न भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बेंगलोर को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, 29वां प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, विजय घाट किस प्रधानमंत्री की समाधि से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसे भी याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न बनता है, चंद्र ग्रहण होने का कारण है? तो चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है? तो दोस्तों क्या होता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। कब बीच में आती है, कैसे आती है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और दूसरा प्रश्न आता है, सूर्य ग्रहण होने का कारण है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा यानी कि चंद्र बीच में आ जाएगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। दोनों प्रश्नों को दोस्तों याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 32 नंबर प्रश्न है, आकाश नीला दिखने का कारण, आकाश नीला क्यों दिखता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अन्य रंगों से नीले रंग को वातावरण में अधिक बिखेरता है, अन्य रंगों से नीले रंग को वातावरण में अधिक बिखेरता है, इसी कारण आकाश क्या होता है, नीला दिखने का यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसे भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन यानी कि कौन से मीटर के से समुद्र की गहराई मापते हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, फैदोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन क्या है? तो फैदोमीटर है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्न में ये भी है आपके दिया गया है, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? तो प्रश्न पूछा जाता है, वायुयान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो याद रखेंगे, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तीसरा भी है आपका, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर है, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आद्रता मापा जाता है। नेक्स्ट और चौथा ऑप्शन है, देख लीजिए, चौथा ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रश्न में यह पूछा जाता है, वायु की गति किससे मापी जाती है? तो आंसर याद रखेंगे, मैनोमीटर से मापी जाती है, और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रित ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, विद्युत
विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 35 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन साइंस से लिए गए हैं दोस्तों, जो पेपर में आपके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है और ये सब प्रश्न पूछे भी गए हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट डॉट 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 का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक में, नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु की नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, इसे भी पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविता का डॉट 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 में उपयोग है। तो रेडियो एक्टिविता का उपयोग किस में है, औषधि में, कृषि में, कारखाने में, दिए गए सभी में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दिए गए सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 38 नंबर, पृथ्वी की आयु का अंदाजा यानी कि आकलन डाटा डाट में लगाया जाता है, तो किससे लगाया जाता है दोस्तों, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है यूरेनियम डेंटिंग, दूसरा है कार्बन डेंटिंग, और तीसरा है एटॉमिक क्लॉक, और चौथा है जैव घड़ी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम डेंटिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न क्या है, पृथ्वी की आयु का अंदाजा यानी कि आकलन लगाया जाता है यूरेनियम डेंटिंग प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सी आइंस्टाइन की खोज है, तो कौन सी आइंस्टाइन की खोज है, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय, ये क्या है, आइंस्टाइन की खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, तो किसका प्रयोग किया गया था, तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है, तो ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। 42 नंबर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है, तो क्या नाम होता है दोस्तों, देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में प्रश्न क्या है, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है, तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम से भी रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं उसको मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूं दोस्तों, आप टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और कमेंट बॉक्स में भी है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे सारे क्वेश्चन को आपको पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों वहां पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन भी देता हूं, जो इसमें अभी दोस्तों इसमें करंट अफेयर अभी नहीं लाया हूं, करंट अफेयर दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। उसमें क्या होगा कि इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर होंगे, मंथ के जितने भी होंगे, सारे क्वेश्चन कराता रहूंगा, और दोस्तों उसको करंट अफेयर कहां देता रहूंगा, टेलीग्राम पे। तो इसलिए दोस्तों आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और डेली उस पे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे और उनसे आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहेगी, तो वहां से आप दोस्तों करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा। तो 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है, तो चीड़ से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 44 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, पॉलीथीन बनता है, तो पॉलीथीन किससे बनता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, एथिलीन से। पॉलीथीन किससे बनता है, तो एथिलीन से, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, चना है, मटर है, सोयाबीन है, अरहर है, तो आपको पता होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है, तो किसका उत्पादन होता है, तो इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। कब होता है, प्रकाश
50 वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है? तो दूसरा तत्व है आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फर्मियम। फ्रांस के नाम पर कौन से दो तत्व हैं? फ्रांसियम और फर्मियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपका 48 नंबर प्रश्न है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? तो घट जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है सुपरनोवा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है सुपरनोवा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? कास्ट स्पिरिट क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मेथिल अल्कोहल होता है। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल अल्कोहल होता है, इसे भी याद रखिएगा। और भी दोस्तों इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके पास दोस्तों जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप हो तो उस ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, वहां पे दोस्तों क्लिक करके आप चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन पे भी क्लिक करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।